मायापुरी न्यूज रील में आपका स्वागत है। मैं हूँ छाया। आई देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। शूटिंग के दौरान आलिया भट्ट ने रुलाया करण जौहर को। फिल्म मेकर करण जौहर वैसे तो काफी जॉली मूड में नजर आते हैं, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ कि करण जौहर की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें रुलाने वाला कोई उनका दुश्मन नहीं बल्कि उनकी बेहद खास और मुंह बोली बेटी आलिया भट्ट हैं। जानकर आपको भी हैरानी हुई होगी कि आलिया और करण में किसी झगड़े के कारण ऐसा नहीं हुआ। करण जौहर का मानना है कि एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने कई कलाकारों के अभिनय से सजी फिल्म कलंक में अद्भुत काम किया है और उनका कहना है कि आलिया की प्रस्तुति देखकर वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा, फिल्म में आलिया ने जो कुछ किया है उसका खुलासा नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने फिल्म में कुछ खास किया है। जब मैं आलिया को देखता हूं तो मुझे लगता है कि अपनी बेटी को परफॉर्म करते देख रहा हूं, और क्योंकि मैं उन्हें लेकर भावुक हूं इसलिए अंत में मैं किसी अजीब सी वजह से रोने लगा। मैंने उसे फोन किया और कहा कि मैं भावुक हो गया, शाबाश। फिल्म सिम्बा देखने के बाद दीपिका पादुकोण का रिएक्शन। हाल ही में अपनी आने वाली फिल्म सिम्बा की रिलीज से पहले डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी। इस इवेंट में रणवीर के साथ फिल्म की हीरोइन सारा, विलन सोनू सूद और डायरेक्टर रोहित शेट्टी भी मौजूद थे। जब रणवीर से पूछा गया कि सिम्बा देखने के बाद दीपिका ने उन्हें किस तरह की प्रतिक्रिया दी तो उन्होंने कहा, उन्हें रोहित सर के साथ साथ मुझ पर भी गर्व है और मेरे साथ रोहित सर पर भी। उन्होंने रोहित सर की बहुत तारीफ की, इसलिए मुझे लगा कि उसने मेरी भी तारीफ की। रणवीर पहले ही बता चुके हैं कि दीपिका पादुकोण काफी इंट्रोवर्ट हैं और अक्सर वो खुलकर तारीफ नहीं करती हैं। ऐसे में उनके थोड़े से ही शब्द पति रणवीर को काफी खुश कर देते हैं। आंटी बोलने पर जानवी कपूर पे भड़की स्मृति ईरानी। हाल ही में स्मृति ईरानी एयरपोर्ट पर अचानक जानवी कपूर से टकरा गईं और इस दौरान जानवी ने उन्हें कुछ ऐसा बोल दिया कि उन्हें वो रास नहीं आया। स्मृति ईरानी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि जानवी लगातार मुझे आंटी बोले जा रही थी, आजकल के बच्चे भी ना। इस पोस्ट को शेयर करने की देर थी कि लोगों ने स्मृति को ट्रोल करना शुरू कर दिया। स्मृति ईरानी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जब आपको ऐसा एहसास हो कि कोई मुझे गोली मार दे। जब आंटी कहने पर जानवी कपूर ने प्यार से माफी मांगी और मैंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, ये आजकल के बच्चे, आंटी किसको बोला। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के ट्रेलर में कांग्रेस और सोनिया पर निशाना। अनुपम खेर की फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। फिल्म में अनुपम खेर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म में अनुपम खेर के अलावा अक्षय खन्ना भी अहम किरदार निभा रहे हैं। अक्षय ने संजय बारू का किरदार निभाया है। संजय पूर्व प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार थे, उन्हीं की किताब पर फिल्म की कहानी आधारित है। ट्रेलर की शुरुआत में मनमोहन सिंह के किरदार में अनुपम खेर नजर आते हैं। संजय बारू का किरदार निभा रहे अक्षय खन्ना शुरू में ही साफ कर देते हैं कि मुझे तो डॉक्टर साहब, मनमोहन सिंह, भीष्म जैसे लगते हैं जिनमें कोई बुराई नहीं है, पर फैमिली ड्रामा के विक्टिम हो गए। महाभारत में दो फैमिलीज थी, इंडिया में तो एक ही है। फिल्म का ट्रेलर देख क्या बोली अनुपम खेर की माँ। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर लिखी गई किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर अब फिल्म के रूप में रिलीज होने जा रही है। गुरुवार को इस फिल्म का ट्रेलर भी आउट हो गया है। फिल्म में लीड रोल में अनुपम खेर नजर आ रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद अनुपम खेर की मां को ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस फिल्म में ट्रेलर में उनका बेटा अनुपम खेर है। उन्होंने कहा कि ये तो मनमोहन सिंह है। वो थोड़ा कन्फ्यूज्ड हुई, लेकिन बाद में उन्हें यकीन हो ही गया कि ये मनमोहन सिंह नहीं बल्कि उनका बेटा है। अनुपम खेर ने गुरुवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उनकी माँ द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का ट्रेलर देखने के बाद अपना रिएक्शन दे रही हैं। क्या लग रहा है आपको मनमोहन सिंह वाली फिल्म के बारे में मम्मी? ये तो मुझे लगता है वही है, हटू है, मनमोहन सिंह है। कौन? ये सरदार जो बना है। मम्मी वो मैं हूँ। तो बिट्टू राजू ने फिर बताया ये बिट्टू है। मैंने कहा नहीं, तो झूठ बोल रहा है, ये वही है। क्या नाम है इसका? कहते हैं मम्मी क्या हो गया आपको? सच्ची ये बिट्टू है। मैंने कहा ये पागल है। फिल्म में कौन कर रहा है प्रियंका और राहुल गांधी का रोल? अभिनेता अनुपम खेर की फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म में सोनिया गांधी का किरदार सबसे अहम है। इस रोल को बेहद संजीदगी के साथ जर्मन एक्ट्रेस सुजैन बर्नट ने निभाया है। अक्षय खन्ना पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर और चीफ स्पोक्स पर्सन संजय बारू के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म में अवतार सिन्हा लाल कृष्ण आडवाणी के किरदार में, विमल वर्मा लालू प्रसाद यादव के किरदार में और अनिल रस्तोगी शिवराज पाटिल के किरदार में नजर आएंगे। सलमान के बर्थडे पर कैटरीना और यूलिया ने बनाई दूरियां।
सलमान खान ने अपने बर्थडे पर पनवेल में एक बड़ी पार्टी दी। इस पार्टी में बॉलीवुड सेलेब्स और खान फैमिली के सदस्य पहुंचे। इनमें सलमान की कथित गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ भी पहुंची। दोनों एक दूसरे से नजर मिलाने से बचती रहीं। दोनों के रिश्तों में मनमुटाव नजर आया। पिछले साल न्यूयॉर्क में कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी सलमान खान ने आयोजित की थी। इस मौके पर यूलिया ने उन्हें पूरी गर्मजोशी के साथ विश किया था, लेकिन इस पार्टी में दोनों के रिश्ते बदले नजर आए। दोनों के बीच न सिर्फ कोल्ड वॉर दिखा बल्कि पर्याप्त दूरी भी बनाए रखी। यूलिया सलमान की दोस्त वीना काक के साथ नजर आई। वहीं कैटरीना सलमान की फैमिली के नजदीक थी। वो पूरे समय सलमान की बहन अलविरा और अर्पिता शर्मा के साथ रहीं। बताया गया कि कैटरीना वहां नहीं रहीं जहां यूलिया थीं। दोनों के बीच टसल साफ देखने को मिली। ठाकरे के ट्रेलर पे भड़के आमिर खान के को स्टार। रंग दे बसंती में आमिर खान के साथ काम कर चुके सिद्धार्थ भी ट्रेलर से खासे नाराज हैं। उन्होंने इसके जरिए नफरत फैलाने का आरोप लगाया। एक्टर का कहना है कि फिल्म के मराठी ट्रेलर में बाल ठाकरे बने नवाजुद्दीन एक रैली में दक्षिण भारत के लोगों को गाली देते दिखाई दे रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि उठाओ लूंगी बजाओ पूंगी। बताते चले कि अपनी राजनीति की शुरुआत में बाल ठाकरे ने मुंबई में मराठी मानुष को लेकर दक्षिण भारतीयों के खिलाफ आंदोलन चलाया था। उठाओ लूंगी बजाओ पूंगी उसी आंदोलन का नारा था। मराठी ट्रेलर का विरोध करते हुए सिद्धार्थ ने ये भी कहा, ये भाषा नफरत फैलाने वाली है। ट्रेलर में रोमांस और हीरोइज्म के जरिए नेगेटिव चीजों को फैलाया गया है। मुंबई में फिल्म सिम्बा का प्रमोशन करने पहुंची टीम। अगर कोई ऐसी फिल्म है जो 2018 के अंत से पहले सुर्खियां बटोर रही है तो वो रोहित शेट्टी की सिम्बा है। रणवीर सिंह, सारा अली खान और सोनू सूद अभिनीत मुख्य भूमिकाओं में सिम्बा ने एक आउट एंड आउट मसाला एंटरटेनर होने का वादा किया है। फिल्म के प्रचार के लिए सिम्बा की पूरी टीम मुंबई में एक कार्यक्रम में मौजूद थी। रोहित शेट्टी, रणवीर सिंह, सारा अली खान और सोनू सूद ने तस्वीरों को पोस्ट किया जहां चारों ने मिलकर मस्ती की। इतना ही नहीं, सिम्बा के गाने आंख मारे पर सारा और रणवीर सिंह ने डांस भी किया। फिल्म एक भ्रष्ट सिपाही संग्राम भालेराव उर्फ सिम्बा की दुनिया में पहुंचती है जो खुद के लिए जीने में विश्वास रखता है। फिल्म 28 दिसंबर को रिलीज हो गई है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा फिल्म नहीं बवाल है। एक फ्रेश और नई कहानी आपको साल 2019 के शुरुआत में देखने को मिलेगी। कहानी सोनम कपूर और राजकुमार राव की अपकमिंग फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा की है। ट्रेलर को देखकर आपको ये समझ आएगा कि ये प्रेम कहानी तो है लेकिन इसमें सच में एक जोरदार स्यापा है। सोनम कपूर इस फिल्म में एक ऐसी लड़की का किरदार निभा रही है जो बचपन में फिल्में देखकर शादी के ख्वाब बुनने लगती है। बड़े होकर उसकी फैमिली उसके सपने को पूरा करने में लग जाती है, लेकिन इस सबके बीच में अब सोनम इस शादी से खुश नहीं है। फिल्म समलैंगिक रिश्तों पर बनाई गई है जिसमें सोनम कपूर किसी लड़के या फिल्म के हीरो राजकुमार राव से नहीं बल्कि एक लड़की से प्यार करती हैं। मायापुरी न्यूज में इतना ही। कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।